अस्सलाम वालेकुम स्वीट गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और आज हमारा लेसन नंबर 14 है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई दोस्त वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, इसके अलावा इन पेज उर्दू सीखना चाहता है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप वहां से कंप्लीट कोर्सेज देख सकते हैं और आसानी के साथ बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ऑनलाइन कोई भी कोर्स सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम एमएस एक्सेल के अंदर टेबल बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं कि आप एमएस एक्सेल में कोई अगर टेबल वर्क करना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, कॉलम्स और रोज़ बनाना चाहते हैं और उसके अंदर काम करना चाहते हैं, कोई बिल या इनवाइस, कोटेशन, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम आज एक्सेल के अंदर प्री बिल्ड जो इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है एक्सेल के अंदर टेबल बनाने का, आज हम उसकी मदद से खूबसूरत टेबल बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है स्टाइल की और इस स्टाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है फॉर्मेट टेबल की ऑप्शन मौजूद है जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक करते हैं किसी सेल में और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं फॉर्मेट एज टेबल, तो हमारे सामने कुछ ऑलरेडी यहाँ पे प्री बिल्ड टेबल के डिज़ाइन बने हुए पड़े हैं जो कि हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत बने बनाए फॉर्मेट पड़े हुए हैं, यानी आप किसी भी फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने जो टेबल बनाना है वो कौन से एरिया का बनाना है, कौन कौन से सेल्स का बनाना है। तो यहाँ पे देखें, एक सेल के ऊपर आपको मार्की कुछ नज़र आ रहा है, तो उसने एक सेल को यहाँ पे रेंज में ले लिया। अगर हमें मज़ीद टेबल को एक्सपेंड करना है, मज़ीद कॉलम्स और रोज़ इसमें बनानी हैं, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से रेड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आके इस तरह इस रेंज को एक्सपेंड करते हैं, जितना हमें टेबल बनाना है, जितने कॉलम्स चाहिए या रोज़ चाहिए वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा से इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ओके का बटन आ जाता है। हम दोबारा से इस ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक खूबसूरत सा टेबल तैयार है। सिर्फ चंद क्लिक्स के साथ हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ी और हमारा टेबल तैयार हो गया। तो अगर हम इस खूबसूरत से टेबल का मज़ीद कोई दूसरा कलर चाहते हैं, कोई दूसरा डिज़ाइन चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और हमारा वो डिज़ाइन या उसका कलर चेंज हो जाएगा। या ये देख सकते हैं आप, तो आसानी के साथ आप कोई भी दूसरा डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं और बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेबल ड्रा करने के बाद हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रही हैं, तो चलिए हम इनको देखते हैं। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है टेबल का नाम, तो टेबल वन इसने इसका नाम खुद बहुत दे दिया, तो हम इसका कोई भी स्पेसिफिक नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम बिल टाइप कर दिया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो अब इस टेबल का नाम बिल हो चुका है। हम यहाँ पर दूसरा कोई टेबल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया, तो हम पहले से भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो इस बार मैंने सेल्स को पहले सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट टेबल पे गया। उसके बाद मैंने यहाँ से कोई भी एक कलर जो है, जो स्टाइल मुझे पसंद है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और ये वो ऑलरेडी जो, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया था इस वजह से उसने खुद बखुद ही रेंज ले ली, हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये टेबल हमारे पास दूसरा बन गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका नाम जो है वो टेबल टू रखा गया है, तो हम इस टेबल का नाम भी कोई दूसरा नाम रख सकते हैं। बिल टू मैंने इसका नाम रख दिया, तो ये देखें जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बिल वन आ गया और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो बिल टू आ गया। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स कि हम अपने टेबल्स को कोई मखसूस नाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस टेबल पे अपने कर्सर को रखता हूँ। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, रीसाइज टेबल, यानी कि आपको अगर कॉलम्स या रोज़ कम करने हैं अपने टेबल में से, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करते हैं
तो आप देखें कि आपके सामने वही रेंज आ गई जो टेबल आपने ऑलरेडी बनाया था। अब आप यहाँ पे क्लिक करें इस बटन पे और यहाँ पे आ जाएं, यानी कि इसको आप इस तरह सेलेक्ट करें दोबारा से और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि आपका टेबल रीसाइज़ हो गया, यानी कॉलम्स और रोज इसमें से कम हो गए। तो इसी तरह फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, हम खास खास ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन है। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो हम उनको आसानी के साथ यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस फंक्शन के साथ। तो मैंने कहा रिमूव डुप्लीकेट और उसने पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट कर लिया। हमने कहा ओके, तो आप देख सकते हैं उसने 4 डुप्लीकेट्स को रिमूव किया है। और इसके बाद हम ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ उसमें से रिमूव हो चुकी हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ और कमांड्स ज़रूरी देख लेते हैं। हेडर रो, हेडर रो हमारी ये वाली रो होती है। अगर हमें ये रो नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं और दोबारा से इसको हम ऑन भी रख सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जल्दी से पुट करता हूँ और इस कॉलम्स में भी, फर्स्ट वाले कॉलम में भी वैल्यूज़ कुछ रफ पुट कर दी मैंने। अब देखें, अगर हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो फर्स्ट कॉलम हमारा है, ये वाला, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ये देखें, ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। तो जब हम फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं यानी टिक कर देते हैं, तो ये कॉलम जो हमारा बोल्ड हो जाता है। और इसी तरह अगर हम लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हमारा लास्ट वाला कॉलम भी बोल्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टोटल रो, यानी आपने अगर टोटल करना है तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे और उस रो का टोटल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये इसने खुद ब खुद इसका टोटल बना दिया 16, यानी 16 टोटल हो गया। अगर हम यहाँ पे 20 चेंज करते हैं वैल्यू को, तो आप देखें कि हमारा आंसर भी खुद ब खुद चेंज हो गया है। तो इस तरह करके हम किसी भी टेबल के अंदर टोटल का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है बैंडेड रोज़। बैंडेड रोज़ का मतलब ये है कि फंक्शनल ये टेबल है जिसके अंदर एक, आप देखें रो के अंदर गहरा कलर है और एक के अंदर लाइट कलर है। तो ये एक फंक्शन है जो कि इसको इस तरह खूबसूरत डिज़ाइन करके हमें दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये देखें सेम फंक्शन आप नीचे देख रहे हैं, तो वैसा ही टेबल नीचे बन गया है। अगर हम यहाँ पे बैंडेड रोज़ को अनचेक कर देते हैं तो आप देखें अब हमारे पास सिर्फ एक कलर आ गया है और दूसरा कलर गायब हो गया है। तो ये एक फंक्शन है जिसके तहत ये हमें खूबसूरत टेबल एक डार्क कलर में और एक लाइट कलर में शो हो रहा है। इसी तरह बैंडेड कॉलम्स, आप देखें हमारा टेबल थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन हो गया है। तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जैसे हमें अच्छा लगे, जैसा हमें खूबसूरत लगे टेबल, हम उस तरह अपने टेबल को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ इसकी एक्स्ट्रा जो फंक्शन हैं इनको हम यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने टेबल को खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।